हाँ तो भाई स्वागत है सभी बालक बालिकाओं छोरे छोरियों लोंडे लोंडी और मेरे सभी प्यारे नाना मामा पूछा चाचा ताऊ के बालकों के साथ निब्बा और प्यारी निब्बियों का भी जिनसे शादी की है वो बड़े प्यारे इंसान है, वो आरजे हैं और उनको देख के प्यार हुआ था कि रेडियो पे उनकी आवाज सुन के। आपको क्या लगता है? मुझे तो ये लगता है कि जो भी हुआ गलत हुआ। जैसा कि आपको पता ही है मार्केट से पापा मोगम्बो गायब हो रखे थे, खास कर क्लैश ऑफ क्लैंस की मार्केट से। अब मार्केट में हमारी जगह भी है या ना है? नहीं होगी तो बना देंगे भाई, हमें कौन रोक लेगा। तो आज हम खेलेंगे वार बहुत दिनों बाद। मीनवाइल अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर दे यार, 1.5 लाख पूरे होने वाले हैं, थोड़ा सा जोर लगा दो यार मेरे यार। मान लो हमारी बात, कोई बात ना, कुछ ना बिगड़ने का, लाइक भी कर देना। आइए चलते सीधा वार की तरफ। तो भाई साहब ब्लू हॉक्स के साथ लग गई है वार। आइए जरा करते अपने क्लेम टारगेट के ऊपर अटैक। और हमेशा की तरह पहला अटैक यानी कि पापा मोगेम्बो का अटैक, और आपको तो पता ही है क्या होएगा, फेल करूंगा इसको मैं। चलो ये तो भी बकवास की बातें, अभी करते हैं अटैक। बेबी ड्रैगन को भटका देते हैं कोने में, उसी कोने में भटकता रहेगा और अपनी पूंछ को लेके मटकता रहेगा। क्या राइम है ये, मजा आ गया इस राइम को सुन के, मैं खुद ही खुश हो गया। आप तो खुश हो गए नहीं, मैं खुद ही खुश हो जाऊंगा। ठीक है, ये बैटल विलियम चल रही है। ये आ गई है एबिलिटी, ये आ गई है रेज। सीसी के अंदर एसिड रूप है जिसकी वजह से मेरा बाहर ही नहीं आ रहा है, मतलब अपोनेंट का बाहर नहीं आ रहा सीसी। ठीक है, कुछ और मत समझ लेना, गंदे बच्चे हो रहे हो तुम। रेज डाल देते सीसी उड़ जाए ताकि जल्दी से आने के चांस ही ना रहे, सीसी बाहर आना ही नहीं चाहिए। फ्रीज द क्वीन कर दिया फ्रीज भाई, आपने बोला और हमने कर दिया। हमारी क्वीन अभी बची है, इलेक्ट्रो ड्रैगन भी हमारे बचे हैं, दो फ्रीज भी हमारी बची हुई हैं। क्या ये बेस बच पाएगा? क्या लगता है बॉयज एंड गर्ल्स, क्या ये बेस बच के जा पाएगा या इसकी जान निकाल दी जाएगी? ले भाई रेज डाल देता हूं यहीं पे, रेज कर दिया मैंने अपनी उसको आरसी को, मार दे किंग को, मार दे। नहीं मार पाई, हमारी आरसी थोड़ी सी कमजोर है, इसको बोन वोटे पिलाओ, बोन वीटा पिलाना पड़ेगा आरसी को। मैंने रेज भी डाल दी फ्रीज भी डाल दी, बेचारी कमजोर निकली, पर कोई ना, हमारी क्वीन में बहुत जान है, 80 लेवल की है, घी दूध और रोटी दोनों खावे, समझ गए, और साथ में खून भी पिया मेरा। फिलहाल तो इस बेस का पिएगी, मेरा खून तो बाद में पिएगी भैया। लो जी 3 स्टार का झटका, अंग अंग फड़का, देखते हैं बाकी टीम वाले क्या करेंगे। सेकंड अटैक करने के लिए आए हैं हमारे हिमांक भाई साहब, और ये अटैक कर रहे हैं अलग ही आर्मी से, क्वीन चार्ज बोग राइडर्स। हाईटाउन 14 पर बहुत मुश्किल है ये, मतलब कि बहुत ही मुश्किल है ये आर्मी, समझ नहीं आ रहा कैसे कर रहा है। अरे ट्रिपल मार दिया इस आर्मी से, फिर तो भाई अलग ही बात हो जाएगी, पर मारना तो चाहिए भाई, हमारी टीम का खासम खास खिलाड़ी है, फेल करेगा तो कैसे बात बनेगी दादा, ट्रिपल तो मारना चाहिए। क्वीन चार्ज हो ग्राइडर्स, और बहुत लंबी क्वीन चार्ज करानी पड़ेगी, बहुत वैल्यू निकालनी पड़ेगी क्वीन के साथ, ऐसा भी नहीं कि 1 मिनट में क्वीन से दो बिल्डिंग तोड़ी और भाई कर दिया अपना हॉग राइडर दौड़ा दिया, ऐसे तो बात नहीं बनेगी। फिलहाल यहाँ पे कोई ट्रूप अभी तक उतारा नहीं है, सिर्फ क्वीन ही आगे की तरफ घूमघाम रही है, मल्टी इन्फर्नो में जाएगी क्वीन, बिल्कुल जाएगी। क्वीन के लिए थोड़ी सी फनल बनाइए, टाउन हॉल को किंग को ही निकालना पड़ेगा टाउन हॉल, यस, और आरसी को, किंग और आरसी को मिलकर टाउन हॉल निकालना पड़ेगा मुझे लग रहा है। खाली किंग निकाल पाएगा क्या? क्वीन तो घुस गई है भाई सही फोकचे में, सही खोपचे में जा चुकी है क्वीन, यहां से इस पूरे बेस का खोपचा उड़ा सकती है क्वीन, ऐसा मुझे लग रहा है। सबसे अच्छा है
किंग को ज्यादा डैमेज नहीं आ रहा, किंग को कम डैमेज रहेगा ना तो किंग के टाउन हॉल निकालने के चांसेस बढ़ते रहेंगे, क्योंकि एबिलिटी टाउन हॉल पे ही जाके यूज होगी ना तो ही टाउन हॉल निकलेगा। और यार ये इनविजिबल क्यों यूज करती क्वीन पे, अच्छा जंप है सॉरी, मैंने कहा इनविजिबल क्यों लगा दिया, तो जंप स्पेल थी, जंप तो ठीक है दादा, आर्टिलरी ले गई क्वीन, नाइस, टाउन हॉल और आ जाए सब किसी तरह से भाई, इधर से तो होग राइडर दौड़ा दिए इसने और टाउन हॉल आए नहीं अभी तक, पुदीना ये ना हो जाए भाई इस अटैक का, वार्डन एबिलिटी, टाउन हॉल आया नहीं और क्वीन जा नहीं रही, गई चलो गई गई गई, फाइनली क्वीन गई, आरसी पीछे रह गई है, अरे आरसी पीछे रह गई है, आरसी पीछे रह गई है, और किंग पेल रहा भाई साहब होग राइडर्स को गंदी तरीके से, अरे होग राइडर्स मर गए, किंग ने बत्तख बना दी होग राइडर्स की, सारे होग राइडर्स की, देखो अटैक तो फेल नहीं होगा, ये होगा टाइम फेल, क्योंकि क्वीन एबिलिटी के साथ जिंदा है और इधर से रॉयल चैंपियन की भी एबिलिटी बची है, 18 सेकंड में ट्रिपल नहीं हो पाएगा यार, ये टाइम फेल हो जाएगा, ये भाई साहब तगड़ा अटैक किया था, मजा आ गया अटैक देख के, चाहे टाइम फेल हो गया क्योंकि किंग ने थोड़ी सी गद्दी बिठा दी यार होग राइडर्स के, कोणी बजा दी कोणी, पर अटैक एकदम ओपी था, देख के मजा आ गया, इंटेंस मैच चल रहा है एकदम। अटैक नंबर तीन लिबर्टी, लिबर्टी भाई साहब अपनी बाहुबली आर्मी लेके तैयार खड़े हैं जैप के साथ लावालून दौड़ाने को, ओ ओ माय जोक, पुदीना हो गया इसका तो, इतनी सी पावर पे सरवाइव कर गया स्कैटर शॉट, ये सब गलती हुई है इस वजह से क्योंकि वो जो जैप है, जैप ने अर्थ को एक लेट डाल दी थोड़ी सी, और इतनी देरी में वो भाई साहब वो करके चला गया, उसको हील कर दिया उसने बैटर बिल्डर ने, बड़ा बुरा हुआ गाइस, इसके साथ तो बहुत बुरा हुआ, यहां से ट्रिपल मार दिया, ऐसे लगेगा नहीं अभी ये स्कैटर शॉट लगने ही नहीं देगा कोर वाला, कोई चांस ही नहीं है, नो चांस इज अवेलेबल, चांस ही गया, वो स्कैटर शॉट ऐसा बच गया भाई, वो जाएगा ही नहीं अब आखिर तक भी, अमर हो गया वो स्कैटर शॉट, अब यहां से जीतना बड़ा भारी काम हो सकता है हमारे लिए, क्योंकि कोर में भी क्वीन बची हुई है और ये क्वीन जा रही है गलत, अब ये दीवार तोड़ रही है भाई, इस क्वीन का आईक्यू लेवल है -17 और मर गई, लो जी कुछ उखाड़ भी ना पाई और मर भी गई, सब बुरा बुरा हो रहा लिबर्टी के साथ, तो लक एकदम एज पे चल रहा हमारा, एकदम एज पे, एज समझते हो, कुछ भी करने जा रहे हैं कांड हो जा रहा है, नाइस वार्डन एबिलिटी, अभी तो ये टू स्टार इंपॉर्टेंट है भाई, ये कोर वाला मल्टी तो परेशान करेगा, मतलब ये इन्फर्नो, अरे क्या नाम है इसका, स्कैटर शॉट, सारा काम बिगाड़ दिया स्कोर के स्कैटर शॉट ने, अगर क्वीन चली जाती ना अंदर उसके पीछे भाई साहब इस बेस की गति बैठ जाती, पर अब यहां पे काफी ज्यादा दिक्कत में आ गया है ये अटैक, लो प्रतिशत हो गया हमारी तरफ से और नया शायद मुझे लग रहा है नेट भी भाग गया, देखना होगा कितना परसेंट हुआ ये। अटैक नंबर चार आ रहा है करण भाई साहब की तरफ से और ये कर रहे हैं फ्लाई ब्रीड आर्मी के साथ, अरे भाई सारे ड्रैगन लेके आ गए थे, नॉर्मल ड्रैगन, इन्फर्नो ड्रैगन, ड्रैगन राइडर, भाई खुद भी आ जाता है ड्रैगन बन के, सारे ड्रैगन लेके आ गए, तो बेबी ड्रैगन, इलेक्ट्रो ड्रैगन रह गया बस, आइए देखते हैं इतने सारे ड्रैगन को कहां पे जाके उतारेगा भाई ये, अच्छा 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 तोड़ दिया, लो जी स्कैटर शॉट तोड़ दिया भाई, अच्छा अच्छा कर गए, सारे ड्रैगन लेकर आया ये, समझ ही नहीं आ रहा मुझे इसका कलेश, अलग ही कलेश में चल रहा है तो, और दो ड्रैगन यूज भी कर दिए भाई, सही है गुरु, बम सा फेंक का मारता यार ये ड्रैगन, मस्त है ये वाला, अरे सीधा ही अटैक शुरू कर दिया भाई, कैसे मतलब कि कौन सा तरीका है अटैक का, मेरे को समझ नहीं आ रहा ये अटैक, बैटल बिलिंप अभी तक आई नहीं है,
स्पेल्स के नाम पे बहुत कम स्पेल्स हैं। वार्डन एबिलिटी दे दे भाई। गुरु ए गुरु हो जा शुरू। लेट कर रहा है एबिलिटी, लेट कर रहा है एबिलिटी, मैं कह रहा हूँ लेट कर रहा है एबिलिटी, मान जा। दे दी, चलो फाइनली। और सारी काली माइंस पी गई भाई साहब, नाइस एबिलिटी, सारी काली माइंस को झेल गई ये तो एबिलिटी। आइस गोले मन सीसी में से, और सीसी में है सुपर गोबलिंस, टाउनल को पी गए, टाउनल को खा के पी गए। पर ये आइस गोलम ना जिंदगी खराब कर देंगे भाई साहब। अब ये अटैक 3 स्टार होगा नहीं होगा कुछ नहीं कह सकते भाई। आइस गोलम ने ना कलेश कर दिया जीवन में, अभी भी बहुत डिफेंस है। और ये खासकर जो मल्टी टारगेट इन्फर्नोज है इनसे तो पीछे छुटेगा ही नहीं। और किंग भी बचा हुआ भाई, किंग से कौन बचाएगा? फ्रीज यूज कर दे, चल ठीक है, एक मल्टी आ जाएगा, दूसरा मल्टी कैसे निकलेगा? किंग मरेगा नहीं, किंग क्वीन को, किंग पेलेगा उसको जाके भाई। ये तो वॉर इतना बढ़िया अटैक करने के बाद भी ऐसे खतरे में आ गया अटैक। अब ये किंग, अरे बैटरी लो, बैटरी लो को कोई दिक्कत नहीं है। अब ये किंग पेलेगा रॉयल चैंपियन को, अरे ये वार बहुत क्लोज हो जाएगी, अब तो बहुत क्लोज होगी भाई साहब। ये बोल तुम्हारे भाई का ही सिर्फ ट्रिपल हुआ अभी तक, खतरनाक अटैक कर रहे हैं पर गधी बैठ जा रही है, समझ रहे हो? केसमत ना साथ दे रही भाई साहब अटैकर्स का, आज हमारे मामला कतई खराब चल रहा हो, ध्वस्त हो गया ये तो। फाइनल अटैक आ रहा है एसपी भाई साहब की तरफ से, और वापिस से सेम आर्मी, इस बार स्पेल्स थोड़े अलग है, तो ही तोड़ने वाली स्पेल का इस्तेमाल कर रहा है भाई ये, लाइटनिंग का, यानी कि एयर स्वीपर तोड़ेगा पक्की बात है। और इधर से उड़न खटोले वाले बलून आ रहे हैं, उड़न तस्तरी, एयर डिफेंस को ले गए, नाइस। ब्लिंप, टाउन हॉल में ब्लिंप घुसा दी सीधा भाई साहब, नाइस। टाउन हॉल निकाल भी लेगी ना, इसके अंदर क्या सुपर गोब्लिन भर रखे होंगे। टाउन हॉल तो आ गया भाई, इधर से उड़न तस्तरी वाले बलून फिर से चल दिए। किंग आ गया है, आर्मी आ गई सीधा, किंग क्या पूरी आर्मी आ गई। अरे स्टोन स्लैमर तो है ही नहीं ना, पर मैं सोच रहा स्टोन स्लैमर क्यों नहीं यूज कर रहा, स्टोन स्लैमर का पहले ब्लिंप यूज करते टाउन हॉल में, बहुत निर्णायक अटैक होने वाला है ये वाला। और आर्मी कतई अलग जा रही है, कतई अलग। सीसी और बाहर आ गया, लो भाई अब ये वॉर बहुत खतरे में है, क्योंकि ये ट्रिपल होने के चांसेस अब बहुत कम हो गए हैं। एकदम 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 लास्ट लास्ट मोमेंट पे इसका रिजल्ट निकलेगा गाइस, लग रहा है मुझे। अपोनेंट के भी अटैक ट्रिपल हुआ नहीं, मैं आपको बता दूं, इस अटैक के बाद मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगा, क्योंकि अपने बेसिस बढ़िया तरीके से डिफेंड भी कर रहे हैं। ट्रिपल हमारी टीम से ना लग रहा तो लग अपोनेंट से भी ना रहा, और हमारे तो 2 अटैक आपको बताइए कितना भयानक तरीके से भयानक रूप में फंस गए भाई। एक स्पेल बची है बस, और डिफेंसिस ज्यादा है। निकाल ले निकाल ले, स्कैटर निकाल ले निकाल ले निकाल ले निकाल ले, पता नहीं निकालेगा ना निकाले। किंग बचा हुआ यार, पर किंग से कौन पीछा छुटाएगा, और स्कैटर भी नहीं निकलेगा। अरे जरा सी पावर पे रह गया स्कैटर, किस्मत देख रहा, किस्मत आज साथ ही नहीं है। अरे देखो स्कैटर मार भी किसको रहा है, 2 ड्रैगन बचे उन्हीं को मार रहा है, इसको नहीं मार रहा रॉयल चैंपियन को, ड्रैगन्स को मार रहा है बेचारा। गाइस ये वोर का रिजल्ट ना प्रतिशत से निकलने वाला है, मुझे लग रहा है एकदम प्रतिशत से निकलेगा, या फिर एक अटैक तो ट्रिपल मारना पड़ेगा, 4 अटैक उनके फेल हो चुके हैं, 5वां अटैक उनका भी एकदम फंसा हुआ है। आइए देखते हैं क्या हुआ वार का रिजल्ट। तो भाइयों बहनों वार का रिजल्ट तो होगा ये, 2-2 अटैक 1 स्टार हो गए अपोनेंट के, दुम्मा निकल गया मार्केट में इनका, तो एक ही अटैक ट्रिपल हो पाया हमारी टीम से भी, तो हमारी टीम ने भी कुछ ज्यादा ना उखाड़ा, पर भाई रगड़ तगड़ के जीत गए, एक ही ट्रिपल लगा, दैट इज फ्रॉम पापा मोगाम्बो। जीत जरूरी है पर ट्रिपल लगे ना लगे तो काफी बढ़िया रहा आज का परफॉर्मेंस, हमारी टीम का भी और उनकी टीम का भी, दोनों ही नालायक निकल गए। चलो जी मिलेंगे आप लोगों से बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें, साथ में ध्यान रखें अपने माता और पिता का भी।